जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन वास्तु शास्त्र में एक बार फिर नई वीडियो के साथ। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप इस पौधे को देख लीजिए, इसमें फल लगे हुए हैं और इस फल को आप भली भांति पहचानते भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, यह पौधे हमारे भारत भूमि में कहीं भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यह काले धतूरे का फल है। इस प्रकार से हमारे वीडियो के माध्यम से आप इस फल को बहुत ध्यान से देख लीजिए। यह बहुत ही ज्यादा सुंदर फल है। इस फल के अंदर में छोटे छोटे बीज होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस फल के वह दुर्लभ और चमत्कारी उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों को जड़ से नष्ट कर देंगे और आपके जीवन एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव लाएंगे। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, अगर आपके ऊपर शनि की पीड़ा है, आपकी साढ़े साती चल रही है, आपके राहु केतु आपका साथ नहीं देते हैं या किसी भी प्रकार के दोष से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो इस पौधे की जड़ आपको इन प्रकार के दोषों से मुक्ति दिला सकती है। दूसरी तरफ अगर किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवाया है या कोई नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ी हुई है, तो इन प्रकार की परेशानी से भी मुक्ति पाने के लिए आप इस पौधे की जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में आज आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। लेकिन पहले आप हमको कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताइए कि आपके शहर में, आपके राज्य में काले धतूरे के पौधे को किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमको प्रकृति माता को बार बार नमस्कार करना चाहिए, बार बार धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के अनमोल पौधे आज भी भारत भूमि में उपलब्ध हैं। फ्री में, बिल्कुल ही गिफ्ट की तरह हमारे भारत माता ने हमें उपहार में दिए हैं। दोस्तों, यह जो काला धतूरा है, यह विषैले जीव जंतुओं के लिए काल है। कैसा भी विषैला जीव जंतु हो, उसको यह पौधा क्षण भर में खत्म करने का काम करता है। दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र के अनुसार यह पौधा आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट को जड़ से नष्ट कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको जो काले धतूरे के प्रयोग बताने जा रहे हैं, वह कोई हवा हवाई प्रयोग नहीं है। यह गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ वह ज्ञान है जो आप लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज वनस्पति शास्त्र के अनुसार हम आपको काले धतूरे पौधे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक आप पहुंच सकते हैं इस वीडियो को उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों को भला हो सके। भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। काला धतूरा का पौधा संपूर्ण एक दिव्य पौधा होता है जिसको वनस्पति शास्त्र में शिव रूप भी बोला गया है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा है जिसमें भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो आपको काले धतूरे के पौधे को किसी भी सफेद गमले में लाना है और अपने घर की किसी भी दिशा में इसको स्थापित करने के बाद इसकी अच्छे से देखभाल करनी है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर एक घर में प्रतिदिन धतूरे के पौधे का अच्छे से ख्याल रखा जाए तो उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है, और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है या मंगल दोष है तो पहले तो इस बात को समझ लीजिए, किसी भी दोष को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है, दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जो भी दोष है उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाए, तो काले धतूरे की पत्ती शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन आपको तोड़ करके लाना है और नहाने वाले पानी में इसको डालने के बाद इस पानी से नहा लेना है। यही उपाय अगर आप प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक मंगलवार को करते हैं तो आपके ऊपर जो भी दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा और आपका भाग्य इस उपाय को करने के बाद जरूर ही प्रबल हो जाएगा। दोस्तों, मान लीजिए आपके लाखों शत्रु हैं
जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, या आपके ऊपर किसी ने काला जादू काली विद्या करवा दिया है और आप इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, तो बस आपको किसी भी सोमवार के दिन काले धतूरे की जड़ लेकर के आना है और इसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। अब आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले यहां पर आपको एक घी का दीपक जलाना है, चांदी की ताबीज में या तांबे के ताबीज में आपको इस काली धतूरे की जड़ को धारण कर लेना है और अपने गले में इस ताबीज को पहन लेना है। सिर्फ इतना उपाय किसी भी सोमवार के दिन आपने कर लिया तो आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े होंगे, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि यह बात हर व्यक्ति जानता है कि भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे उस व्यक्ति का साक्षात्काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और इस पौधे की जड़ में भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है। अगला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है। जिस घर में भी नकारात्मक शक्तियों का वास होता है उस घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। तो आपको यह उपाय किसी भी सोमवार के दिन करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, और आपके घर की हर परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो किसी भी सोमवार के दिन आपको काले धतूरे के फल को कहीं से प्राप्त करना है, आपको फिर आपको एक काला कपड़ा लेना है, उस काले कपड़े में आपको इस फल को रख देना है, फिर इस काले कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली बनाते वक्त काले धागे का इस्तेमाल आपको करना है। इस पोटली को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 21 दिन के लिए टांग देना है। 21 दिन बाद इसी काले कपड़े की पोटली को आपको ले जाना है और किसी भी बहती हुई नदी में परिवाहित कर देना है। देखिए, अगर आपने इतना कर दिया तो यह काले धतूरे का फल आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियों को सोख लेगा और अपने साथ लेकर बह जाएगा। इसके बाद आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। तो यह उपाय अगर आप करेंगे तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर में धन का आगमन बना रहे, तो दोस्तों बस सोमवार के दिन काले धतूरे की जड़ को आपको लाना है और अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर लेना है, और प्रत्येक सोमवार को आपको भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप इसी जड़ के सामने करना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय भी आप बोल सकते हैं। इस बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 108 बार करना है, क्योंकि 108 की जो संख्या होती है वह भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होती है। अगर यह उपाय आप करते हैं और प्रत्येक सोमवार को बीज मंत्र का जाप करते रहते हैं तो इतना मानकर चलिए दोस्तों, आपके घर पर धन का आगमन बना रहेगा। आपके घर पर जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके घर पर सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, यह कुछ ऐसे उपाय थे जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। हमें उम्मीद है वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना।